चरखी दादरी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बाईपास स्थित डंपिंग पॉइंट में कूड़ा डालने के साथ साथ मृत पशुओं और नवजात के भ्रूण तक को खुले में फेंका जा रहा है, जिसके चलते यहां आसपास के नागरिकों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं बदबू से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं इस मामले में नगर परिषद के अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया है। हालांकि कहते हैं कि अगर किसी कर्मचारी द्वारा मृत पशुओं को खुले में डाला जाता है तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद नगर परिषद के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं। बता दें कि नगर परिषद द्वारा दादरी शहर का कूड़ा करकट डालने के लिए रोहतक भिवानी बाईपास पर डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है। नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा यहां कूड़े के साथ साथ मृत पशुओं को भी खुले में डाला जा रहा है, जिसके कारण आसपास का माहौल बेहद दुर्गम में रहता है। इसके अलावा डंपिंग पॉइंट के बाहर दोनों तरफ कूड़ा डाल दिया जाता है, जिसके चलते किसानों व आसपास के निवासियों को अपने खेतों तक पहुंचने में परेशानी होती है। खेत है मेरा, तो उन्होंने बोल रखी है कि यहाँ खड़े से पहाड़ लगा दिए कूड़ा को, थैली कूड़ो कि गाँव है हमारे के उरे, कि खगड़ गिर जाए हैं, कि कुत्ते गिर जाए हैं, उरे बदबू उठे जाए नहीं उरे काम कर सका, उरे भारे समस्या हो रही है उन्हें तो गलोगी मोह तो ये इसी में कहते कि मैं कहते कि मैं हाँ डालिए भाई दो तीन दफ़ा डालिए कमेट भी कम है उरे ये कि मैं ना एक बार तो मशीन लगा दी थी उन छणवा दिए थे उरे बंद कर दी थी फिर पहाड़ हो रहे हो रही हो उरा तो कहते इसने बंद करो भाई के उरा ठुआ सौदा ने ना तो उरा काम कर सके ना कोई मजदूर उरे खेती करना आ सके। यहाँ पे जी बात सुनो मरी गऊ आती हैं खागड़ आते हैं और हॉस्पिटल भी अड़ंग आता है कचरा जो उसमें छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल नन्हे नन्हे और एक सफ़ेद सी कुत्ती है उसने खाते हमने देखा है। उनसे मैंने फ़ोन करके कहा था या फिर दूसरे दिन ले गए यहाँ गिर गए थे उसने, फिर मैं ठेकेदार के पास फ़ोन कराया, वो ठेकेदार ने मेरे से नहीं कही भाई गेट क्यों खोल रहा छोटा भाई इतने, उन्हें मेरे को लाना दिया फिर उन्होंने बुलाया कि वापसी उठवाया फिर वहाँ गिरा, फिर उसका माल लेगा था हॉस्पिटल से। कुलदीप नाम है कमेटी की तरफ से उसका मतलब यहाँ उसकी ड्यूटी है, वो उसको भी मैंने फ़ोन करके बुला लिया था, वो यार्ड मौजूद आया था उस दिन। और यहाँ डांगर आते हैं गऊ है ये सूर है भाई गिर के जाते हैं यहाँ पे दफनाया नहीं जाता गऊ ना, नहीं 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 वो वैसे डाल के जाते हैं, मैंने कई बार कह दी है कई बार मैं महकमे से भी बात कर दी है। और जो देखने वाले जो लेडीज़ है जो दो बच्चे आए थे छोटे छोटे वह कबाड़ी हैं अड़ कबाड़ चुके हैं वह देखने वाले मौजूद है वहाँ पे जाई बात कर लो। वहीं स्थानीय निवासी आयशा ने बताया है कि यहाँ नगर परिषद द्वारा बनाए गए डंपिंग पॉइंट के दोनों तरफ से उनके खेतों की तरफ रास्ता जाता है, लेकिन कर्मचारियों द्वारा डंपिंग पॉइंट के अंदर जाने के बजाय बाहर ही कूड़े से भरे वाहनों को खाली कर दिया जाता है। और तो और डंपिंग पॉइंट में कूड़े में आग लगने के कारण बाईपास में हर रोज गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को भी परेशानियां होती हैं। देखो ये तो हम ठीक ले रखे है तो यहाँ पे बहुत खग्गर आती है मरा हुआ और बहुत बब्बू निकलती है और हॉस्पिटल की जो माल आती है उसमें बच्चा भी निकलती है। उस दिन दो बच्चा निकला था कुत्ते ने खा रही थी तो कुत्ते को भागा के फिर हमने वो डाक दिया गड्डी को बुला के। यहाँ पे बहुत बब्बू आती है ये आती है लेकिन कूड़ा तो इतना उठाते नहीं है, छोटा गड्डी होता है अभी भी ऊपर पर ही है बहुत बड़ा है बब्बू की अंदर से अंदर भरना नहीं जाता, बहुत बब्बू आती है हवा जब चलती है तब बब्बू ज़्यादा आती है वहाँ पे जाने की मन ही नहीं करती है, लेकिन क्या करो वो ठीक क्या ले रखी है वहाँ पे सुख नहीं पड़ती है। आपको बता दें कि इस मामले में जब नगर परिषद के कर्मचारी कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अब जब अधिकारी ही अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेंगे तो आम जनता तो राम भरोसे ही रह जाती है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। चरखी दादरी से पुनीत शोरान पंजाब के सिटी।